आभार आप लोगों का। आप में से लगभग सभी को मेरा परिचय सुनते समय ये लगा होगा कि भाई बाकी तो सब ठीक है, स्कॉलर हैं, लेखक हैं वगैरह वगैरह, लेकिन रंग कर्म का नाटक के इसका सप्ताह का नाटक के आयोजन का उद्घाटन करने या उसमें बात करने क्यों चले आए। तो असल में बात यह है कि नाटक हम सभी करते हैं, बिना नाटक के आप जिंदा नहीं रह सकते। कदम कदम पे नाटक है। अभी सुमन जी पर किसी बात पर मुझे मनी मन गुस्सा आ रहा हो तब भी दांत निकालने ही पड़ेंगे, वरना मेरे दांत निकल सकते हैं। तो नाटक तो हम सभी करते ही हैं कदम कदम पर, लेकिन औपचारिक रूप से नाटक से मेरा जुड़ाव काफ़ी पुराना है। मैंने अभी कल परसों में अपने फेसबुक पेज पर लिखा भी था, उस समय उम्र 17-18 बरस रही होगी, 18 बरस, ग्वालियर में एक डॉक्टर कमल वशिष्ठ थे, स्वर्गवासी हुए वो पिछले दिनों, तो उनको बड़ी एक बेचैनी थी कुछ समकालीन, कुछ आधुनिक, कुछ प्रयोगात्मक रंगमंच ग्वालियर में करने की, और साधन उनके पास नहीं थे, लेकिन उन्होंने नाटक के वो दीवाने थे डॉक्टर साहब। डॉक्टर बाद में बने थे, PhD बाद में किया था उन्होंने। तो उन्होंने हम जैसे 2-4 नौजवानों को साथ लेके वो नाट्यायन नाम का सिलसिला शुरू किया, और पहला नाटक हम लोगों ने हत्या एकाकार की किया था 1972 में। उसमें 4 ही पात्र हैं, आप लोग जानते हैं उस नाटक के बारे में। तो उसमें 3 पात्र तो हम, मेरे बड़े भाई रामबाबू, सत्येंद्र, हम सब तो 20 साल से कम के ही थे। अनुभवी अभिनेता उसमें केवल एक थे, सत्यपाल बत्रा जी, 35-40 साल के। तो हम लोग काफ़ी डरे हुए थे, घबराए हुए थे, मंच पर जाकर के अपना डिबेट में भाषण देना या कुछ करना एक बात है, 2-3 मिनट 4 मिनट बोल के आप हट लिए, मंच पर तो आपको रहना है, संवाद बोलने हैं, दूसरे अभिनेता के संवादों पर प्रतिक्रिया करनी है, तो हम सब घबराए हुए थे। तो बत्रा जी ने हम लोगों को नाटक मंच पर जाने के ठीक पहले एक एक घूंट दवाई पिलाई थी। मुझे आशा है कि यहाँ भी ऐसी कोई व्यवस्था होगी मंच पर। अरे अरे चिर। मंच पर आने के पहले ना सही, बाद में सही। अच्छा, तो वो दवा हम लोगों ने पी, बत्रा जी ने कहा पी लो बेटा, दवा है, इससे गला खुलेगा। तो गला खुला या नहीं खुला, लेकिन हिम्मत जरूर खुल गई। और उसके बाद बहुत बाद में ज्ञात हुआ कि हमें कौन सी महत्वपूर्ण दवा पिलाई गई थी, और उस दवा के गुणों का मैं आज तक कायल हूँ। तो इस तरह वो हत्या एक आकार की नाटक से जो सिलसिला शुरू हुआ, बाद में वो चलता रहा, और बहुत दिनों तक मैं नाटक में करता रहा, कुछ निर्देशन भी किए, बाकी इतिहास का निर्देशन किया, दुलारी बाई का किया, कई नाटकों में अभिनय किया, दिल्ली आकर भी किया। लेकिन फिर जाहिर है कि नाटक पूरा समर्पण मांगने वाली विधा है। आप बतौर प्रोफेशन के भले ही कुछ करते रहे, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, पत्रकार हो, लेकिन कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए अगर कुछ आप चुनते हैं तो चाहे नाटक हो चाहे कोई हो, वो एक सीमा के बाद, और नाटक तो विधा ही समग्रता की। नाटक में तो ये चल नहीं सकता कि साहब मैं अभिनेता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेबी और स्पॉट में क्या फर्क होता है, नाटक में तो चल नहीं सकता। कम से कम जिस तरह से नाटक हम लोग करते थे, कई बार मंच पर झाड़ू पोंछा भी खुद ही को लगाना पड़ता है, तो ये तो हो नहीं सकता है कि हम तो साहब एक्टर हैं और एक्टिंग करके चलते बनेंगे। आपको सब कुछ आना चाहिए, थोड़ा बहुत गाना भी आना चाहिए। आज किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन एक ज़माने में मैं गा भी लिया करता था नाटक के चलते। आज गाऊँ तो लोग डर के भाग जाते हैं, लेकिन तो नाटक में एक समग्रता जो होती है। तो फिर मुझे फैसला करना था कि नाटक करना है या एकेडमिक्स करना है, थिएटर करना है या एकेडमिक्स। तो मैंने जो फैसला किया वो आप लोग जानते हैं, लेकिन लगाओ मैं 2000 में लंदन गया था, और उस समय काफ़ी कड़की की हालत थी मेरी, भगवान की उतनी कृपा नहीं थी। तो मेरे सामने विकल्प थे कि लंदन में जहाँ जहाँ जाना है, घूमना है, उनमें चुनाव करूँ। लंदन तो आप जानते हैं स्मारकों और ऐतिहासिक इमारतों का और महत्वपूर्ण जगहों का से भरपूर शहर है। तो भाई आप टावर ऑफ लंदन देखेंगे, वो बड़ा वाला जो चक्र है जिसकी नकल पे अब कलकत्ते में भी बन गया है, वो देखेंगे, या वो सेंट पॉल कैथेड्रल देखेंगे। तो ये सब विचार करके मैंने 2 चीज़ों के बारे में तय किया कि यहाँ मुझे ज़रूर जाना है, एक ग्लोब थिएटर और एक हाईगेट सिमेट्री में कार्ल मार्क्स की कब्र।
तो मैंने कहा लंदन तक आके बाबा कार्ल मार्क्स को खराज अकीदत पेश किए बिना पापा जाना तो कुफर हो जाएगा, तो वहाँ जाना तो बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह ग्लोब थिएटर, ग्लोब थिएटर दोस्तों आज मुझे खुद सोच के हंसी आती है, मैं जहाँ ठहरा था वहाँ से कम 7-8 किलोमीटर दूर था, और मैं पैसे बचाने के लिए क्योंकि कुछ खाना भी था पैदल गया था, और वहाँ सबसे सस्ता जो टिकट था, पता नहीं कौन सा नाटक चल रहा था मुझे आज याद भी नहीं, लेकिन कोई नाटक चल रहा था और सबसे सस्ते टिकट में आपको खड़े होकर नाटक देखना था, क्योंकि तब तक उन्होंने ग्लोब थिएटर को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया था, वो बिल्कुल 16वीं सदी के एलिजाबेथियन थिएटर की तरह वो रिकंस्ट्रक्ट किया जा चुका था, अभी भी वही है, तो नीचे लोग खड़े होकर देखते हैं, फिर एक स्टॉल है, फिर एक स्टॉल है, फिर एक स्टॉल है, और स्टॉल में अगर आप थोड़े पैसे और दें, अंग्रेज इस मामले में बहुत कंजूस और बनिए होते हैं, वो कुर्सी पर बैठने के लिए गद्दा भी आपको अलग से पैसे दे के लेना पड़ता है, अगर थोड़े पैसे और आप देंगे तो कुर्सी के लिए गद्दी मिल जाएगी, तो हमारे पास तो कुर्सी के लिए भी पैसे नहीं थे, तो 2 घंटे तक खड़े होकर वो नाटक देखा, उसके बाद वापस जब लौटने लगे तो मग होते होते बचे, बहरहाल ईश्वर की कृपा से बच गए, लेकिन ये तय था कि अगर लंदन आया हूँ तो कार्ल मार्क्स की कब्र देखे बिना और शेक्सपियर का थिएटर देखे बिना वापस नहीं जाऊँ, बाकी सब बाद में गया, कई बार गया, फिर मैं रहा भी वहाँ कुछ दिन, तो बाद में सब देख दाख लिया वो अलग बात है, लेकिन उस समय तो नाटक के प्रति ये लगाव, जैसा मैंने आपसे अभी थोड़े सी हंसी में कहा, ये केवल मेरा लगाव नहीं है, हम लोग जाने या ना जाने अभिनय के बिना आप जी नहीं सकते, आप एक और चीज देखें, मुझे पता नहीं, मैं उम्र के इस दौर में पहुंच चुका हूं कि कई बार मुझे लगता है कि जिंदगी जैसी जी उससे अलग तरह से जीता तो शायद बेहतर होता, या शायद के और किसी तरह से जिंदगी जी जा सकती थी जैसे मैंने जी, यानी यू फील अ क्रेविंग फॉर काइंड ऑफ अल्टरनेटिव लाइफ, कि जिंदगी कुछ और होती तो क्या होता, एक अभिनेता के तौर पर जो अब मैं नहीं रहा प्रोफेशनली लेकिन एक जमाने में था, कई बार मुझे लगता है कि अभिनय आपको वो अवसर भी देता है अभिनेता को कि वो कई जिंदगियां जीने का तजुर्बा हासिल कर सके, आप देखें, और इसीलिए जो महत्वपूर्ण नाट्य कृतियां होती हैं और महत्वपूर्ण कैरेक्टर होते हैं और उनके अभिनय होते हैं वो हमारे जीवन में हमारे साल चलते हैं। हारुकी मुराकामी की एक बहुत खूबसूरत कहानी है ड्राइव माय कार, वो एक एक्टर है थिएटर का और जापानी में अंकल वान्या करने के लिए वो विख्यात है, वो अंकल वान्या का रोल करने के लिए विख्यात है जापान में, और वो अपनी कार नहीं चला सकता क्योंकि उसकी आंख में तकलीफ है, डॉक्टर ने उसको सख्ती से मना कर दिया कि आप ड्राइविंग करें, तो वो एक नौजवान लड़की को बतौर ड्राइवर के नियुक्त करता है, वो कहानी कहने का यहाँ कोई इरादा नहीं है, कोई मुराद नहीं है, लेकिन किस तरह उस लड़की के और उस लेखक उस अभिनेता के संबंध, अंकल वान्या की जो जिंदगी वो मंच पर जीता है उसके पैरेलल उसके जीवन में चलते हैं, और किस तरह उस नाटक का एक नया रूप, उस पात्र का एक नया रूप आपके सामने खुलता है, ये अपने आप में एक रोचक अनुभव है। और अब बहुत अच्छी बात है कि उस कहानी और मुराकामी की कुछ अन्य कहानियों को लेकर के बाकायदा एक फिल्म बन गई है, बहुत शानदार फिल्म है, OTT पर मूवी पर उपलब्ध है, मैं आपसे पुरजोर सिफारिश करूंगा कि उसको देखिए ड्राइव माय कार, उसकी बड़ी तारीफ हुई है कान फेस्टिवल वगैरह में, उसको अवार्ड भी मिले हैं पिछले साल, बहुत अच्छी फिल्म है। तो मैं कह ही रहा था दोस्तों, इसीलिए मैंने जैसे आपसे कहा कि एक तो ये कि अभिनय के जरिए हम एक कई तरह की जिंदगियां जीने का जो अवसर मिलता है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उस पर टीका करते हुए अभिनव गुप्त, जो कि अद्भुत प्रकार के जीनियस थे, फिलोसफर भी थे, काव्य शास्त्री भी थे और नाट्य शास्त्र पर टीका किया उन्होंने, नाटक के भी ज्ञाता थे, नाटक को खैर संस्कृत ट्रेडिशन में काव्य के तहत ही माना जाता है, अलग से उसको नहीं देखते हैं वो, उस टीका में अभिनव गुप्त बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन 2 बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे उसमें लगी, एक तो ये कि अभिनय अनुकृति है लेकिन अलग, अभिनय
जीवन का एक तरह का अनुकरण है, लेकिन व्यतिरिक्त अनुकरण है, ये सही है, लेकिन वो जीवन का मात्र अनुकरण नहीं है, वो अनुकरण के अलावा भी कुछ है। और इसीलिए एक ही पात्र को जब कई अभिनेता अलग अलग ढंग से करते हैं तो हम थिएटर में दिलचस्पी रखने वाले लोग इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। एक ही पात्र को, एक ही कथा को कई अभिनेता या कई निर्देशक अलग अलग ढंग से देख सकते हैं, अलग अलग ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण फिलोसफिकल बात उभरती है, और वो ये कि किसी भी चीज को देखने के कई पहलू हो सकते हैं, किसी भी बात को समझने के, कहने के कई पहलू हो सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वस्तु सत्य होता है, उसके अस्तित्व को नहीं नकारा जा सकता। इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव रियलिटी कैन नॉट बी डिनाइड। और इसीलिए आप देखेंगे कि भारतीय नाट्य परंपरा में, चाहे वो शास्त्रीय हो चाहे लोक परंपरा हो, उस तरह के रियलिस्टिक स्टेज की कभी परवाह नहीं की गई जैसा रियलिस्टिक स्टेज यूरोप में था और भारत में वो पारसी थिएटर के जरिए आया था। हमारे यहाँ उस तरह के रियलिस्टिक स्टेज की कभी परवाह नहीं की गई। इसलिए मिसाल के तौर पर ये सवाल के साथ प्रसाद के नाटक खेले नहीं जा सकते, ये उन्हीं लोगों के मन में आ सकता है जिनके दिमाग में स्टेज का मतलब है रियलिस्टिक स्टेज। वरना हमारे यहाँ तो आप देखते हैं रामलीला में एक पर्दा पीछे पड़ा रहता है, उसी पर्दे को गिरा देते हैं तो वो दशरथ जी का महल बन जाता है, दूसरा पर्दा डाल देते हैं वो रावण का महल बन जाता है, वहीं हनुमान जी अपना सारा कर्म कर देते हैं, आग लगा देते हैं, जला देते हैं, सुलोचना भी सती हो जाती है, कोई किसी को सती थोड़ी कर देते हैं। अब आजकल करने लगे वो अलग बात है, आजकल जमाना अलग तरह का है, लेकिन रियलिस्टिक स्टेज के प्रति आग्रह ना होना बल्कि उसको नकारना, आंगिक से ही स्टेज को कन्वे कर देना, इसे भारतीय नाट्य परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। आप देखें उस तरह के नाटकों में जो नाट्य निर्देश हैं पुराने नाटकों में और उनकी जो अभी की प्रस्तुतियां हैं, तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नाटक दो चीजें एक साथ आपके साथ करता है। जब आप, और यह नाटक दूसरे दृश्य माध्यम यानी सिनेमा से अलग होता है, नाटक ये कोशिश ही नहीं करता कि आपको रियलिटी का फील दिया जाए। नाटक आपको आपके वास्तविक जीवन, आपके आसपास के यथार्थ या ऐतिहासिक यथार्थ की एक इंसाइट देने की कोशिश करता है, वो यहां मंच पर उस रियलिटी को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोई कोशिश नहीं करता, और करेगा तो बहुत बुरा और हास्यास्पद नाटक होगा। हम ग्वालियर में एक घटना देख चुके हैं, मराठी नाटक कंपनियां बहुत आती थी ग्वालियर में, मराठी सांस्कृतिक प्रभाव बहुत है और बहुत था, तो मराठी नाट्य कंपनियां वहाँ बहुत आती थी और उसमें इस तरह का जो रियलिज्म होता था उसका एक बड़ा प्रभाव होता रहा और उससे हम लोग बहुत प्रभावित भी होते थे। मराठी पूरी तरह ना समझने के बावजूद, अरे भाई ऐसा नाटक है उसमें शिवाजी घोड़े पर बैठकर मंच पे आते हैं, तो इस तरह का जो रियलिज्म होता था, जो रॉबीला, उसकी वजह से हम जाते थे। और उस दिन जो शो हम देखने गए थे, या तो हमारे जाने का परिणाम था या क्या था, वह ये कि शिवाजी का घोड़ा मंच पे बिगड़ गया। अब सीन ये कि हॉल में मतलब अफरा तफरी, घोड़ा इधर भागे उधर भागे, शिवाजी जो है मंच पे लटके हुए, वो डंडा पकड़ गया, वो शिवाजी का रोल करने वाला एक्टर लटका हुआ है और घोड़ा। तो अगर वो भारतीय नाट्य शास्त्र की परंपरा के अंतर्गत कर रहे होते तो शिवाजी घोड़े पर है इसके लिए केवल इतना संकेत काफी होता कि वो पात्र इस तरह चलता हुआ दैट्स ऑल, क्योंकि वो आपको अपने दर्शक की कल्पना पर इतना विश्वास होना चाहिए और होता है, या उसकी कल्पना का आप इतना विस्तार करने का प्रयत्न कर सकते हैं कि उस संकेतों से समझ जाए कि क्या हो रहा है, क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है। नाटक इस अर्थ में देखें तो नाटक आपको देखना सिखाता है, जिंदगी को देखना, संकेतों को देखना, जो सीधे सीधे वहां नहीं है बल्कि जिसको कहते हैं बिटवीन द लाइंस। मैं निजी तौर से कह सकता हूं, मैं औरों के बारे में नहीं जानता, कोई इस पर जनरलाइजेशन करना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं अगर जिंदगी को थोड़े बेहतर ढंग से देख पाता हूं और कई ऐसी चीजें जो सामने नहीं नजर आती
सुमन जी इस बात के लिए मेरी काफ़ी तारीफ करती रहती हैं कि तुम चीज़ों को कनेक्ट कर लेती हो, आज भी कर रही थी। तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मैं शुरू से थिएटर से जुड़ा रहा हूँ, बहुत बड़ा और वो लगाव मेरा आज तक बढ़ता है। तमाम सारी व्यस्तताओं और इस सब के बावजूद, सारे तो नहीं लेकिन दिल्ली में होने वाले महत्वपूर्ण नाटक या मित्रों द्वारा किए जाने वाले नाटक, आप जानते हैं मित्रों द्वारा की जाने वाली बुरी चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती हैं, तो मतलब देखता रहता हूँ, अच्छे बुरे सब तरह के नाटक देखने का अवसर अभी भी निकाल ही लेता हूँ। वो जो एक चीज है कि आपको एक सेंस के जो वहां नहीं है लेकिन जो अभिनेता या लेखक या निर्देशक आपको अपने संकेतों से, शब्दों से, वाचिक आंगिक अभिनय से, मंच सज्जा जैसे आहार्य कहते हैं उससे दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो आप देख सकें तो उसकी सफलता है, और आप ना देख सकें तो उसकी विफलता तो है ही, कहीं ना कहीं आपकी भी विफलता है। इसलिए मैंने कहा मित्रों कि नाटक केवल अभिनेता के लिए नहीं, नाटक भावक के लिए, ऑडियंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह आपको देखना सिखाता है। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों वो ये कि बहुत स्वाभाविक सी चीज़ें आजकल जैसी स्थितियां बन गई हैं, थिएटर की समस्याएं हम सब जानते हैं, और इसलिए मैं एक बार फिर से ब्रजेश्वर जी का अभिनंदन करना चाहता हूं और उनके तमाम साथियों का कि जब बड़े बड़े शहरों में थिएटर के स्पेस संकुचित होते जा रहे हैं, ऑडिटोरियम नहीं है और नाटक करने के लिए जगह मिलना मुश्किल हो जाता है, अफोर्डेबल नहीं होता कई ग्रुप्स के लिए, ऐसे में एक ऐसा छोटा सा इंटीमेट लेकिन सक्षम थिएटर यहाँ बनाना, उसमें नियमित रूप से नाटक करना, लोगों को उसके लिए एनकरेज करना, मैं सचमुच आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण काम है क्योंकि नाटक जाहिर है बहुत से लोगों के लिए, सभी के लिए, और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, होना भी चाहिए, बहुत से लोगों के लिए नाटक सिनेमा की सीढ़ी है और उसमें कोई हर्ज नहीं है, मैं इसको कतई सरकास्टिकली नहीं कह रहा हूं, और सिनेमा बहुत महत्वपूर्ण विधा है, भाई दावे सिनेमा में भी मेरी घनघोर दिलचस्पी है, और वो दिलचस्पी भी केवल देखने की नहीं, थोड़ा बहुत कुछ हस्तक्षेप दखलंदाजी की भी, हालांकि वह दखलंदाजी सिनेमा में अभिनय की नहीं है, लिखने की है, दो तीन चीजें लिखी हैं और अल्लाह मियां ने चाहा तो कुछ और लिखूंगा, लिखने वाला हूँ अभी। लेकिन एक बुनियादी फर्क जो नाटक और सिनेमा में है, जो मैंने आपकी और जो आपको मैंने संकेत करने की कोशिश की, कि सिनेमा का नेचर, सिनेमा की लैंग्वेज ऐसी है कि इट हैज टू क्रिएट अ सर्टेन काइंड ऑफ इल्यूजन ऑफ रियलिटी। द थिएटर बाय इट्स वेरी नेचर पॉइंट्स आउट टू द रियलिटी, इट डज नॉट सीक टू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ रियलिटी, इट कैन नॉट अफोर्ड टू। सिनेमा तो आपको कारें दौड़ती हुई दिखा सकता है, ड्राइव माय कार नाम की जो फिल्म है उसमें कार ड्राइव होती दिखाई जा सकती है, पूरी फिल्म में कई जगह आप देखते हैं कार चल रही है, थिएटर पे आप अगर उसको आप उसी कहानी का नाट्य रूपांतर करें तो कैसे दिखाई, यू कैन नॉट शो अ कार बीइंग ड्रिवन, वरना वो शिवाजी का घोड़ा हो जाएगा, वो नहीं कर सकते आप। तो वो जो थिएटर की अपनी विशेषता है, इसलिए ये बेहद जरूरी है, और मैं चाहता हूं कि रंगकर्मी जब कभी इस बात को सत्ता के सामने, संपन्न लोगों के सामने, स्पॉन्सर्स की तलाश में जाते समय, तो एक याचक की मुद्रा में नहीं जाना चाहिए, बल्कि इस बात का बोध कराते हुए जाना चाहिए कि अगर आप समाज में सैनिटी बनाए रखना चाहते हैं, यह और बात है कि आजकल ज़्यादातर लोग नहीं चाहते कि समाज में सैनिटी बनी रहे, वो एक अलग मसला है, सत्ता तो हरगिज नहीं चाहती, लेकिन अगर जो भी लोग समाज में सैनिटी बनाए रखना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कि समाज में देखने की वो सामर्थ्य बाकी रहे कि वो चीज़ें भी दिख सकें जिनके केवल इशारे किए जा रहे हैं या इशारे नहीं भी किए जा रहे हैं, तो मैं इस बात को बहुत गंभीरता से मानता हूँ कि बचपन से ही थिएटर करने की नहीं, थिएटर देखने की ट्रेनिंग इस मामले में बहुत मददगार साबित हो सकती है, और इसलिए अगर खुदा गंजे को नाखून नहीं देता लेकिन अगर कभी दे दिए और मेरे हाथ में अगर कभी इस तरह की सामर्थ्य हुई, तो मैं और कुछ करूं या ना करूं,
थिएटर को जरूर समर्थन करो फॉर द सिंपल फिलोसॉफिकल रीजन दैट थिएटर इज वन ऑफ द मींस विच टीचेज यू हाउ टू लुक अराउंड एंड हाउ टू लुक इनसाइड द वर्ल्ड. थैंक यू.